पूर्व सांसद आनंद मोहन को सहरसा जेल में पेश होना था, लेकिन अपने बेटे की शादी में बीजी आनंद मोहन कोर्ट में पेश नहीं हुए। वकील ने हाजिरी लगाई, लेकिन आनंद मोहन की मुश्किलें यहीं नहीं थमी। डीएम जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी और अब 8 मई को आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बेटे की शादी में बिजी आनंद मोहन सहरसा कोर्ट में नहीं हुए पेश, रिहाई पर अब होगी सुप्रीम सुनवाई। सहरसा जेल से आजीवन कारावास की सजा काटकर बाहर आए बाहुबली इन दिनों अपने बेटे चेतन आनंद की शादी में बिजी हैं। आरजेडी विधायक चेतन आनंद की 3 मई को देहरादून में शादी है। इससे पहले 1 मई को आनंद मोहन को सहरसा कोर्ट में पेश होना था, लेकिन आनंद मोहन के वकील ने बताया कि बेटे की शादी की वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। जहाँ तक उनके आने की संभावना है, उनके यहाँ फंक्शन है, बेटे की शादी है 3 तारीख को, वो नहीं भी आएंगे तो उसका उचित पैरवी हम करेंगे। आनंद मोहन भले ही गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा काटने के बाद रिहा हो चुके हैं, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर अब 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आनंद मोहन को फिर से जेल भेजे जाने की मांग की गई है। जेल नियमों के बदलाव के नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की मांग की है। उमा कृष्णैया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में जिरहा होगी। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दायर हो चुकी है। बिहार में बाहुबली आनंद मोहन के नाम पर सियासत भी खूब हो रही है। सीएम नीतीश कुमार ने पेपर की कटिंग दिखाते हुए सुशील मोदी पर निशाना साधा था, तो सुमो ने 2 दिन बाद पलटवार किया है। आप लोग जरा फोटो देख लीजिए, तो जो बोल रहे हैं उनका कब का है, फोटुआ देख लीजिए, खुद देख लीजिए फोटो, ये कब गए हैं आप समझ लीजिए। ये मांग कर रहे थे कब, इसी महीने फरवरी में, आप बोलिए ये हो गया है, आप विरोध कर रहे हैं। देखिए कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, लेकिन जनता का फैसला आ चुका है और जनता इस पक्ष में नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की जान को खतरे में डालकर अपराधियों को जेल से रिहा किया जाए। और जो हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने मांग किया था, हमने मांग जरूर किया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया जाए। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पटना से लेकर दिल्ली तक कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। सहरसा कोर्ट में पहले से ही केस चल रहा है। ऐसे में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले पर आनंद मोहन की रिहाई टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन और चेशायर होम रोड स्थित जमीन की अवैध खरीद बिक्री के मामले को लेकर ईडी की जांच तेज से जारी है और 13 अप्रैल को छापेमारी के